वेलकम टू आवर चैनल अबाउट द जॉब एवेल्युएशन। बेसिकली यहाँ पर जॉब एवेल्युएशन एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो आज हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जॉब एवेल्युएशन में जॉब समझें कि व्हाट इज जॉब। तो बेसिकली जॉब इज ए रेगुलर असाइनमेंट टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय और पीपल विच involves a set of duties, responsibility, environmental and working conditions, and it is totally different from the other assignments. बहुत सारे लोग होंगे, सबके अलग अलग अपनी role and responsibility होती है that you have to perform, that is called job. Roughly तो हम लोग बोलते हैं just obey the boss. You have to follow your boss. Whatever duties you have assigned, you have to perform that duty under the given resources, limitations, and against the job you get the salary. Job करने के पीछे बहुत सारे reason हो सकते हैं, but primary जो reason है that is the salary. You do the job for the salary or satisfaction, facility. बहुत ऐसे लोग job करते हैं सैलरी और उससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन उनको कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी को वो लेना चाहते हैं, इसलिए जॉब करते हैं। कुछ लोग इनिशियली जॉब करते हैं विदाउट सैलरी, विदाउट सेटिस्फेक्शन, विदाउट फैसिलिटी, ओनली इस एक्सपेक्टेशन में कि आने वाले समय में इस जॉब में हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, या स्किल हमारी डेवलप हो रही है, या और भी बहुत सारे इनटेंजिबल या टेंजिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसलिए हम लोग जॉब करते हैं। व्हाट एवर यू आर डूइंग, डू योर बेस्ट, लव योर जॉब, डोंट लव योर कंपनी। जो भी आप काम करते हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए सैलरी निर्धारित होती है अगेंस्ट दैट जॉब। तो वह सैलरी कैसे डिसाइड हो उसी का एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड जॉब इवेल्युएशन। उसको इवेल्युएट करते हैं हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ कैन यू गेट द बेटर सैलरी। दैट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब। आपने जो जॉब किया वो वर्थफुल है या नहीं, या वर्थफुल है तो कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, उस जॉब के अगेंस्ट में आपको क्या बेनिफिट मिलने चाहिए। तो बेसिकली इट इज ए रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब based on a set of carefully selected factors like a skill needed, responsibilities, effort may be physical or mental, job conditions in a systematic and analytical manner. That means हम बोल सकते हैं एक scientific तरीके से इन सब का analysis करके हम उस job के लिए एक salary decide करते हैं। बेसिकली इट इज ए रिलेटिव सैलरी और यू कैन से द पे स्ट्रक्चर। ये सारे पे स्ट्रक्चर और वेजेज तय कैसे होते हैं, आइदर बाय परफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस, टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, इंटरव्यू ए पर्सन हु कैन प्रोवाइड इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन, या कहीं उस व्यक्ति के पहचान में या कोई दूसरे का ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है उसी लेवल पे, तो उसकी क्या सैलरी है, तो वही सैलरी जनरली डिसाइड होता है, या एक क्वेश्चनायर जनरेट करते हैं और वह कुछ एक्सपर्ट से सर्वे कराते हैं कि इस जॉब में ये पैरामीटर्स हैं, ये कंडीशंस हैं, तो इसकी सैलरी कितनी रखी जा सकती है। जो क्वेश्चनायर तय करते हैं उसमें आपको जॉब आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा जॉब है, नेचर ऑफ द जॉब क्या है, उसमें ड्यूटी कौन कौन सी है, रेगुलर जॉब है या पार्ट टाइम है या टेम्प्रोरी है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, कुछ क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, मटेरियल्स और इक्विपमेंट कैसे यूज हो रहे हैं, नॉर्मल मटेरियल है तो वेल एंड गुड, कुछ क्रिटिकल मटेरियल है या केमिकल मटेरियल है तो वहाँ पे जहां पे हजार्स की संभावना ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब सैलरी भी ज्यादा होनी ही चाहिए। जॉब स्किल
स्किल कितनी रिक्वायर्ड है, स्किल एंड एजुकेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, डिग्रीज ऑफ डिफिकल्टी दैट मीन्स कि एजुकेटेड कितना होना चाहिए, कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ज़्यादा सीनियरिटी की जरूरत है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा जॉब नॉलेज, पर्टिकुलर जॉब नॉलेज, मेंटल कैपेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेसी बहुत चाहिए, तो ऑब्वियसली यू विल नीड टू पे द मोर। फिजिकल डिमांड्स, वेदर इट इज फिजिकल एफर्ट, फिजिकल एक्टिविटी या सराउंडिंग हजार्ड्स को हाउ मच यू कैन केपेबल। जैसे बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं तो वहां पे कुछ आइडेंटिफाइड बीमारी तो होना ही होना है एम्प्लॉय को, तो उसके अगेंस्ट में वह एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी या एक्स्ट्रा मेडिसिन लेते हैं ताकि उनकी फिजिक सही रहे। जैसे मरीन में जॉब करने वाले व्यक्ति को जनरली लंग्स की बीमारी हो जाती है, इसके लिए उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन या फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल फैसिलिटी देते हैं ताकि उन बीमारी से वो बचे रहें। अदर रिलेटेड जॉब्स उसमें क्या है, तो दैट ऑल इन्वॉल्व इन ए क्वेश्चनायर दैट इज मेड एंड गेट्स इंटरव्यूड फ्रॉम द एक्सपर्ट टू डिसाइड द सैलरी। ऑब्जेक्टिव या नीड क्या है, क्या जरूरत है जॉब इवेल्यूएशन की, तो सबसे पहले है कि टू फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट एंड इनफॉर्म वेज स्ट्रक्चर, ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें कि ये सैलरी है। अदरवाइज एक एम्प्लॉय को आपने 1 लाख सैलरी दिया, दूसरे को आपने 2 लाख दिया या 1,10,000 दिया, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया, इनइक्वलिटीज आ गई, तो वहां पे डिफरेंशिएशन आ गया, तो एक नाराजगी आ जाएगी एम्प्लॉय में और एम्प्लॉय विल नॉट सेटिस्फाइड। तो एक इक्विवेलेंट वेज स्ट्रक्चर ताकि जिसमें सभी लोग सेटिस्फाइड रहें, कोई कंफ्लिक्ट नहीं आए। डिटरमाइन रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैब्लिश एंड क्लेरिफाई दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। हर व्यक्ति को अथॉरिटी चाहिए होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हर व्यक्ति बचता है, तो जब अथॉरिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्वाभाविक रूप से लेना पड़ता है। प्रोवाइड ए बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट, किस हिसाब से रिक्रूटमेंट होना है, किस प्रोसेस के तहत होना है, उसी के अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइज भी निकालते हैं कि हमें इस चीज के लिए जरूरत है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जॉब है, उस जॉब में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या प्रमोशन होंगे या किस कंडीशन में आपका ट्रांसफर हो सकता है, ये सब हम लोग जॉब इवेल्यूएशन के थ्रू ही डिसाइड करते हैं। हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो इम्प्लॉय है उसको फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, या एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है टू डू द जॉब या टू मेक द बेटर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। इट एलिमिनेट द काउज ऑफ एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन। हर लेवल पे हम लोग एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल को चेक करते हैं कि वेदर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फेक्शन और नॉट, सेटिस्फाइड है तो उसका परफॉर्मेंस 100 टाइम्स बेटर होगा, डिससेटिस्फाइड है तो काम तो करेगा बट अच्छे से काम नहीं करेगा। तो उस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को रिलेशन को अच्छे बनाए रखने के लिए बहुत जरूरत है कि जॉब इवेल्युएट करें और हर एक व्यक्ति उस जॉब इवेल्युएशन के थ्रू सेटिस्फाइड हो कि हाँ वी आर सेटिस्फाइड। कुछ जॉब इवेल्युएशन के कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द जॉब इवेल्युएशन। तो सबसे पहले है जॉब एनालिसिस, जो भी आप जॉब आइडेंटिफाई किए हैं उसको आप एनालाइज करते हैं। बेसिकली इट इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द टास्क इन द जॉब दैट आई हैव टू परफॉर्म, स्किल रिक्वायर्ड कितनी दिमाग की जरूरत पड़ेगी, कितने नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, कितनी एबिलिटी चाहिए उसके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। जैसे किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जैक्ट 8 बजे पहुंचना है, तो दैट मीन्स पहुंचना है मतलब पहुंचना है, जैसे एग्जाम सेल है या रेलवे है, या टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जगह है कि टाइम में आप 5-10 मिनट फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, तो जहां फ्लेक्सिबिलिटी है वहां सैलरी कम होगी, लेकिन जहां पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट नहीं हो, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि उसको बार बार एनालिसिस करें और इम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे। जॉब एनालिसिस की शादी हुई और इनके 2 बच्चे, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में आइडेंटिफिकेशन, जॉब की आइडेंटिफिकेशन, जॉब की समरी और व्हाट काइंड ऑफ वर्क हैव टू परफॉर्म, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है।
जॉब स्पेसिफिकेशन में जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जॉब के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियर स्टेटमेंट हम लोग देते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन एंड अदर इसेंशियल फैक्ट्स। जिसमें जॉब आइडेंटिफिकेशन में जॉब टाइटल कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर या ट्रेनी, ठीक ना, या ग्रेजुएट ट्रेनी, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेक्शन में, कौन सा डेट में, किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है या किस तरह का काम करना है, उस जॉब का कोड क्या होगा, जो भी आप जॉब या प्रोजेक्ट या सुपरवाइजर आपके अंदर कौन होगा, आपके अंडर कौन कौन काम करेंगे, आपको किन के अंडर काम करना है, दैट ऑल कम्स अंडर जॉब आइडेंटिफिकेशन। जॉब समरी गिव दी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी ड्यूटीज, हाउ दी जॉब डिफर फ्रॉम अदर जॉब। दूसरे के जॉब में ध्यान नहीं देना, आपको अपना जो काम असाइंड है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत दिक्कत आती है कि लोग अपने काम से काम नहीं रखते हैं, दूसरे काम से ज्यादा काम रखते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है। इसलिए जॉब समरी कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है, दूसरे के काम पे नहीं। आपका काम अलग है, उनका काम हो सकता है अलग हो। वर्क परफॉर्म, किस तरह का वर्क परफॉर्म करना है और दूसरे वर्क से कैसे एसोसिएटेड है, क्योंकि आप काम खराब करेंगे तो फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा, आगे का पूरा काम खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अपना काम सही करना है। जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या वर्किंग आवर होगा, क्या जो है स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए, किस मैनर से काम होगा, किस टाइप का नेचर होगा, किस टाइप का फिटनेस होना चाहिए। ऑल दिस कम्स अंडर स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब। ह्यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द जॉब एवेल्युएशन। सबसे पहले प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप कोई जॉब डिसाइड करते हैं तो यू हैव टू रेट द जॉब, नॉट द मैन। आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब रिक्वायरमेंट्स आर डेफिनेट एंड फिक्स्ड। हम आदमी के हिसाब से जॉब को वेरी नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन नहीं चेंज होंगे, बल्कि उस व्यक्ति विशेष को चेंज करना होगा, या ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट हम उस टाइप के ही व्यक्ति को हम सिलेक्ट करेंगे जो उसके लायक होगा, अदरवाइज हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। द मैन सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग मे हैव प्लस और माइनस एज रिगार्ड्स द जॉब, दस द पेमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंगली। आपको हम ट्रेनिंग देंगे तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग का पैसा ऑर्गेनाइजेशन काटेंगे। एलिमेंट शुड बी एक्सप्लेनेबल, जो भी जॉब के एलिमेंट्स हैं, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कंपोनेंट्स के, वह जो भी एम्प्लॉय है उसको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है उस जॉब के लिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द सक्सेस ऑफ द जॉब इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी काम करने वाला है उसको जितने एलिमेंट्स हैं क्या करना है अच्छे से समझ में आना चाहिए। कितना भी मेहनती इंसान है, करना क्या है समझ में नहीं आया तो वह शायद अच्छे से नहीं कर पाएगा। जॉब रेटिंग प्लान, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, समझ में आना चाहिए। और प्लान क्या होना है इन फ्यूचर, हम जो कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्दर इम्पैक्ट ऑन दी को वर्कर्स, हम जो काम कर रहे हैं हमारे जो को वर्कर हैं या हमारे नीचे या ऊपर जो भी स्टाफ है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे जॉब का, दैट कम्स अंडर जॉब। कॉपरेशन फ्रॉम दी एम्प्लॉय, जो भी आपके नीचे काम कर रहा है, हाउ मच दे आर कोऑपरेटिंग। जैसे आप मैनेजर बन गए, आपके अंदर बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, अब वो आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो आपका सक्सेस बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि आपको कॉपरेशन चाहिए और कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। तो कॉपरेशन के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी और आप खुद भी। योर बिहेवियर शुड बी सच दैट द को वर्कर मस्ट सपोर्ट यू, मस्ट बी स्टैंड विद यू। डिस्कशन ऑफ मनी वैल्यू, जो भी है इट शुड बी अवॉइडेड, फाइटिंग एंड क्वारल्स बिटवीन द एम्प्लॉय, जो भी है शुरू में एक बार क्लियर हो जाए, बार बार का किच किच अच्छा नहीं लगता है, इधर फॉर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द
एम्प्लॉय, जो भी डिसाइड है प्लस और माइनस, वंस डिसाइडेड इट शुड बी फिक्स्ड। डिस्कशन ऑन द जॉब रेटिंग प्लान, जॉब रेटिंग प्लान दैट मीन्स कि एम्प्लॉय मस्ट बी अलाउड टू डिस्कस द जॉब रेटिंग प्लान, दैट मीन्स कि फ्यूचर या उसके जो आइडिया है उसके अंदर क्या आइडिया है, वो कैसे काम कर सकता है, फ्यूचर प्लान क्या है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की क्या ग्रोथ है और खुद एम्प्लॉय की क्या ग्रोथ है, दैट शुड बी डिस्कस्ड। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजेज, इन सब के बाद फाइनल जो है वह है आपका वेज स्ट्रक्चर। यू मस्ट हैव टू फाइनलाइज दी वेज स्ट्रक्चर की हमारी सैलरी ये फिक्स। जॉब एवेल्युएशन प्रोसेस, जॉब एवेल्युएशन प्रोसेस में आप देखेंगे कि यू हैव टू डिटरमाइन द फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द जॉब, दैट मीन्स की जॉब एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जॉब एनालिसिस में आप पूरा डिटेल देखते हैं कि आपका उसमें कितना वर्किंग आवर है, क्या कंडीशन है, क्या एजुकेशन चाहिए। एलिमेंट शुड बी डिस्क्राइब्ड, एम्प्लॉय मस्ट पजेज टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्ट्री मैनर, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जब जॉब स्पेसिफाइड होगा तो ही सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय को आ सकता है, अदरवाइज आज आप कुछ बताए कल कोई और कंडीशन उसको बता देंगे, परसों और कंडीशन, तो डेली वेरिएशन ऑफ द कंडीशंस विल गेट डिसटिस्फाइड टू द एम्प्लॉय। डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द जॉब इन दैट इज वेज डिटर्मिनेशन। इंटरनल अलाइनमेंट, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवेल्युएशन एंड देन जॉब स्ट्रक्चर, दैट मीन्स व्हाट एवर विधि वेज सैलरी फैसिलिटी इटीसी। फ्यू ऑफ द स्टेप्स, फर्स्ट सेलेक्ट द सुटेबल टेक्निक फॉर द जॉब एवेल्युएशन। मेजर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद और कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से सीक्वेंस में उसको ऑर्गेनाइज कर लें। प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न वर्कर्स, जो वर्कर है या जो एम्प्लॉय या रिक्रूटमेंट के लिए आ रहा है उसको प्रॉपरली सब कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए, कोई ऐसे क्रिटिकल वर्ड्स यूज नहीं कीजिए जो सामने वाले के समझ में ही नहीं आए। मेजरिंग स्केल फॉर कंपेरिजन पर्पज, किसी की सैलरी ज़्यादा है या कम है तो आपके पास उसका क्लियर ब्रेकडाउन होना चाहिए कि उसकी सैलरी ज़्यादा है तो क्यों है। सॉर्ट आउट इनिशियल डिस्क्रिप्शन एंड ग्रेड एंड क्लास, किस ग्रेड में जॉब करेगा, क्या क्लास वन क्लास टू जो भी है। एवेल्युएट एंड आइडेंटिफाई जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। फिक्स द जॉब टाइटल, जॉब का भी टाइटल, और जैसे मैनेजर है या जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर और एम्प्लॉय, ठीक है। बार्गेन वेज स्ट्रक्चर, जो भी वेज स्ट्रक्चर है उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटी ऑफ दी एम्प्लॉय, विलिंगनेस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दी थिंग्स कंसिडर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर यूनियंस, किसी एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा सैलरी या कम हो गई या कुछ वर्कर यूनियंस की कंडीशन है, ट्रेड यूनियन की कंडीशन है, दैट यू हैव टू कंसिडर वेल, अदरवाइज एक सिलेक्शन हो गया बाद में वह ट्रेड यूनियन में भी ज्वाइन करेगा या अपनी बात रखेगा तो यूनियंस गेट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। डिसाइड द रेंज लिमिट, एक रेंज लिमिट होना चाहिए किस बीच में हम ये कर सकते हैं, नहीं तो एक एवरेज सैलरी किसी इंजीनियर की 20,000 से 30,000, तो एक लिमिट सेट हो गई, तो 20,000 से 30,000 के बीच में ही आपको प्ले करना है। ऐसा नहीं किसी को हम 35 दे दिए और किसी को 15 दे रहे, नहीं, एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट रखना है अकॉर्डिंगली द एबिलिटी ऑफ द वर्कर, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। एंड आफ्टर ऑल यू हैव टू री एडजस्ट ऑल द रेट्स रिलेटिव टू द लाइन ऑफ रेफरेंस ताकि सभी सेटिस्फाइड हो। 5-10 हज़ार का डिफरेंस के चलते कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि डिफरेंस है तो यू हैव टू गिव प्रॉपर रीजन टू द पर्सन ऑफ लोअर सैलरी। प्रोसेस ऑफ द
जॉब एवेल्युएशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका फ्लो चार्ट आप देख लें कि जॉब कौन सा है, उस पहले जॉब को आप लीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, कौन कौन से पैरामीटर हमें ज़रूरत है, क्या इन्फॉर्मेशन उसके लिए चाहिए, क्योंकि हमको जब एडवर्टाइजमेंट निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइज निकालेंगे कि फलाने जॉब के लिए फलाना फलाना हमें कंडीशन चाहिए, ये एजुकेशन चाहिए, ये वर्किंग कंडीशन है, क्या आप काम कर पाएंगे या नहीं, या 12 आवर्स वर्किंग आवर है या 16 आवर है या 8 आवर है। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ डाटा, जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वह कहाँ से कर रहे हैं और वो कितना ऑथेंटिक है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, एवेल्युएट एंड वेरीफाई द डाटा, यूज डेटा टू बिगिन द प्रोसेस, राइटिंग द एनालिसिस, देन द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड देन सिलेक्शन। जॉब इवेल्युएशन के दो इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं, एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल मेथड्स, या क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव। नॉन एनालिटिकल मेथड्स या नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स फर्दर रैंकिंग मेथड एंड क्लासिफिकेशन मेथड्स, इट इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब्स। एनालिटिकल मेथड्स में फैक्टर कंपेरिजन एंड पॉइंट मेथड्स, रैंकिंग मेथड्स में ईच जॉब आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू दी देयर पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स है, हर पैरामीटर्स को एक स्केल दे देते हैं और उसके ऊपर रैंक उसको दे देते हैं, और रैंक को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, और हाईएस्ट रैंक को हाईएस्ट सैलरी ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है जॉब में और क्या वर्किंग कंडीशन है। रैंकिंग मेथड में जो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं उसमें ये है, अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व, कितने अमाउंट का वर्क है, सुपरविजन कितने जरूरत है, एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी कितनी है, डिफिकल्टी कितनी है, मोनोटोमी ऑफ दी वर्क, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कुछ खास लोग ही कर पाते हैं या खास लोगों के पास ही ट्रेनिंग है या नॉलेज है, तो वह उसका फायदा बिल्कुल उठाएगा। वर्किंग कंडीशंस क्या है, नॉलेज कितना चाहिए, कितनी एक्सपीरियंस की जरूरत है, एक्सपीरियंस इज टू मच इफेक्टिव टूल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है, ठोकर खाने से दिमाग आता है, तो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो नॉलेज से फार। क्लासिफिकेशन मेथड ये दूसरा मेथड है, इसमें जॉब को क्लासिफाइज क्लासिफाइड कर लेते हैं, आइदर कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, या सिमिलर जॉब को क्लासिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, या एग्जीक्यूटिव, या सेमी स्किल्ड, या पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन के तरह, एक तरह से क्लासिफाई कर लेंगे कि पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन के लिए ये हमें क्वालिटी की जरूरत है, पर्टिकुलर जॉब के लिए ये फाइल कर लेते हैं। इसमें ग्रेड डिसाइड कर लेते हैं, किस ग्रेड में जॉब डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस लेवल का जॉब है, या उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग ऑफ द जॉब्स, कंसीडर द बेसिक फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ जॉब इवेल्यूएशन। ये भी एक जॉब है जिसमें कि सारे लेवल्स, हर एक चीज क्लासिफाइड हो और सिमिलर, जैसे इंजीनियर का एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल का एक ग्रुप हो जाएगा, मार्केटिंग मैन मार्केटिंग का एक अलग ग्रुप हो जाएगा, स्पोर्ट्स का अलग ग्रुप हो जाएगा, तो व्हाट एवर बी दी सिनेरियो अकॉर्डिंगली ग्रुप ग्रेड क्लास विल बी डिसाइडेड। कंपेरिजन मेथड में इट इज मोर सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स, इसमें 5 मेन फैक्टर्स लेते हैं, दैट इज स्किल, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशंस। इसमें इसी एफर्ट के आधार पे हम लोग एक ट्रेवलर चार्ट बना लेते हैं और सबकी एक पॉइंट्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जॉब इवेल्युएशन होता है। दिज कंपनसेबल फैक्टर्स आर आल्सो कंसिडर्ड मेनी टाइम्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, फिजिकल तो जीरो है लेकिन मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन शुड बी गुड,
इनिशिएटिव्स कि आप खुद कितने इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क इन्वॉल्व, कस्टमर इंगेजमेंट, अटेंशन, स्ट्रेस या टेंशन, बहुत सारे जॉब में बहुत स्ट्रेस या बहुत टेंशन होता है, शेड्यूल, जैसे सुबह गए शाम में आने का कोई टाइम नहीं है, उसका आपका फिजिकल इफेक्ट या फैमिली पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सोशल इफेक्ट क्या है, दैट ऑल आर कंसिडर्ड इन द फैक्टर कंपेरिजन। जो भी आपका जॉब है उसको एक पॉइंट दे देते हैं एंड ओवरऑल अकॉर्डिंगली, जैसे स्किल है तो उसके लिए अलग, मेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की है, और इसका एक पॉइंट दे करके फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं और अकॉर्डिंगली वेज डिसाइड करते हैं। हायर पॉइंट विल गेट हायर सैलरी ऑब्वियसली, तो आप लोअर वन को हम बता सकते हैं कि भाई इसमें रिस्क ज्यादा है इसलिए इसकी सैलरी ज्यादा। दीज आर दी वेटेज कि कोई भी जॉब है तो एजुकेशन की कितनी प्रायोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कितनी वेटेज दे रहे हैं, फिजिकल एफर्ट की कितनी वेटेज दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशन की कितनी वेटेज दे रहे हैं, एक्सपीरियंस की कितनी वेटेज दे रहे हैं। दीज आर दी वेटेज कि 50% हम एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल जो प्रमोशन की बात करते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड पैरामीटर होते हैं और कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स भी होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एनालिसिस, फीडबैक, ठीक ना, 360 डिग्री फीडबैक, 720 डिग्री फीडबैक और आजकल 180 डिग्री फीडबैक भी। पॉइंट जॉब एवेल्यूएशन, जो भी फैक्टर्स या पॉइंट हम लोग डिसाइड किए थे उसके अंदर फर्दर सब फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्किल है तो स्किल में क्या एजुकेशन चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए, ठीक ना, जैसे एक्सपीरियंस चाहिए या जजमेंट पावर होना चाहिए, जैसे एफर्ट आ रहे हैं तो फिजिकल एफर्ट कितना है, मेंटल एफर्ट कितना है, क्योंकि तो दोनों की सैलरी अलग अलग होगी। फिजिकल एफर्ट एक लेबर बहुत ज्यादा लगाता है और एक इंजीनियर फिजिकल एफर्ट कम, मेंटल एफर्ट ज्यादा लगाता है, तो मेंटल एफर्ट की ओब्वियसली सैलरी ज्यादा होगी, ठीक ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स मटेरियल या प्रोडक्ट के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, ठीक ना, इक्विपमेंट, सेफ्टी, वर्क ऑफ अदर्स, टीम वर्क या वर्किंग कंडीशन कैसा है, बहुत ज्यादा डस्ट रहता है, स्मोक रहते हैं, फ्यूम्स, नॉइज, हाई टेम्परेचर, ग्लेयर्स, रेडिएशन, तो ऑब्वियसली ये सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सैलरी डिसाइड करना है, ताकि एम्प्लॉय जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके कि चलो धुआं तो लगती है, स्मोक तो लगता है, डस्ट तो है, लेकिन पैसा भी तो इसी जॉब। सेलेक्टिंग द फैक्टर, फ्यू पॉइंट्स शुड बी सिलेक्टेड, फैक्टर्स जो भी आप बात कर रहे हैं मस्ट बी वेरी क्लेरिफाइड, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं कौन सी एजुकेशन चाहिए आपको एम्प्लॉय से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ठीक ना, किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, पीएचडी चाहिए, या नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो वह आप जरूर कंसिडर कीजिए, वह नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर एम्प्लॉय कंसिडर कर सकता है लेकिन हाई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वह कंसिडर नहीं करेगा, फिर बाद में वह डिमांड करेगा कि नहीं आपने जॉब के टाइम में ये नहीं बताया था, अभी आप बता रहे हैं इसलिए आपको इतना ज्यादा सैलरी फिर बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तो जॉब करूंगा या छोड़ दूंगा। ईच फैक्टर शुड बी मेजर ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ दी जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर फैक्टर यूज होना चाहिए। एडवांटेज, ईच एंड एवरी मेथड्स ऑफ द जॉब एवेल्यूएशन हैज इट्स ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज, कोई लेसर ग्रुप के लिए अच्छा है, कोई बिगर ग्रुप के लिए अच्छा है, ठीक ना, जैसे क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं, पॉइंट मेथड्स हैं, हर कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जॉब एवेल्यूएशन फॉर्म होते हैं, जिसको अप्रेजल फॉर्म या रिक्रूटमेंट फॉर्म उस समय बोलते हैं, जो भी फैक्टर्स होंगे उनको आप डिसाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली आपका एवेल्यूएशन होता है, टोटल मार्क्स आ गए और टोटल मार्क्स पे अकॉर्डिंगली हम रैंकिंग कर देते हैं और हाईएस्ट रैंक वाले को ऑब्वियसली सिलेक्ट करते हैं या हायर सैलरी पे करते हैं। लिमिटेशंस हैं जॉब एवेल्यूएशंस के, सब कुछ प्लस नहीं होता, हर चीज़ के कुछ माइनस होता है, तो उसमें
सबसे पहला है कि जो भी एचआर डिपार्टमेंट है वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है बेसिंग है अपने वालों को सिलेक्ट कर रहा है या अपने वालों को पार्शलिटी दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यू में मार्किंग कोई ना कोई आदमी ही करेगा, एचआर डिपार्टमेंट ही करेगा। जो क्वेश्चनायर है आपने जो तैयार किया था या फीडबैक जो लिया था वह कितना सही है, हाउ मच इट इज रिलायबल, जो आपने फैक्टर्स कंसिडर किए हैं वो अप टू डेट है कि नहीं, क्योंकि समय के साथ वह टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज में जो आज आपने फैक्टर्स लिए हैं 2 साल के बाद वह अपडेट करना जरूरी है। यू हैव टू अपडेट द फैक्टर्स। ट्रेड यूनियंस डेली नए नए ट्रेड यूनियंस जनरेट हो रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो उन सब चीज को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कन्फ्लिक्ट फिर से आ जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस के बावजूद भी जॉब एवेल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।